सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। वैसे तो बहुत सारी मैं वीडियोस लेके आती रहती हूँ आप सबके लिए, बट ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऑल टाइप्स की काइन मास्टर में छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत सारी काइन मास्टर की एडिटिंग करना सीख लेंगे। और आप अगर ये सीख लेते हो ना, तो आप साइड में वीडियो कैसे चलती है वो वाली, और अगर बात करें साइड में, जैसे कई बार होती है ना, कोई साउंड होती है उसको हम मियाँ मियाँ इस टाइप के साउंड ऐड करने वाला सिस्टम भी आप लोग सीख जाओगे। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो और भी बहुत सारी काइन मास्टर में एडिटिंग होती है, वो सारी की सारी हम लोग सीख जाएंगे अगर हम इस चीज़ को इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। यार साइड से लोग देख रहे हैं मुझे, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाई जा रही हूँ जल्दी की तरह, बट कांट टेक टेंशन बिकॉज गॉड इज़ देयर। हाँ जी, तो बस ये हम लोग कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग की। तो जल्दी से यार 200 करवा दो ना, फिर हम लोग 200 स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हाँ, अगर 150 आप लोगों ने 2-3 दिन में करवा दी तो 150 पे भी बहुत जल्दी मैं वीडियो ले आऊँगी, बट 200 जल्दी से करवा दो ना, फिर हम लोग 1000। सो गाइज, हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर का जो रेशियो है वो कुछ इस टाइप का आने वाला है। मैंने अभी भी काइन मास्टर डाउनलोड किए सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हमें वेलकम टू काइन मास्टर इसमें अलाउ करते जाना है। हम लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो ये सारी स्क्रीन साइड जाती जाएगी, क्योंकि ये लोग हमें दिखा रहे हैं ऐसे एडिटिंग करना है वगैरह वगैरह जो भी है। अब जो है हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें क्रिएट न्यू जो है इसको कट कर देना है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए। और यहाँ से 16:9 जाना है, और यहाँ से हमें उस वीडियो को चूज़ करना है जिस पे आप एडिटिंग करना चाहते हो। तो मैंने लिया है ये वीडियो, अच्छे से इसको चेकआउट कर लेती हूँ क्या ये वही वीडियो है जो मुझे एडिट करना है या कुछ और है, वो सब देख लेते हैं। इसको हम डोंट से शो अगेन करके ओके कर देंगे। अब जो है यहाँ से देख पा रही है आप सब, सबसे पहले इस एरो पे क्लिक करेंगे जो आपको हाउस का छोटा सा साइन दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ से म्यूज़िक के अंदर, जी हाँ, जो आपको ये म्यूज़िक का साइन दिखाई दे रहा है। इस म्यूज़िक के साइन में जाने के बाद हमें यहाँ से जितनी भी आप साउंड चेकआउट करना चाहते हो, तो मैं पहले आपको चेक करके दिखा देती हूँ सारी की सारी। जब हम इस ट्रायंगल वाले पे क्लिक करते हैं तो हमारी साउंड चल जाती है, जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो साउंड हमारी म्यूज़िक में ऐड हो जाती है डायरेक्टली, और हम वहाँ से अपने व्लॉग्स में या कोई भी वीडियो बना रहे हैं उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे सारी के सारे साउंड्स चेक कर रही हूँ। अगर आप एक व्लॉगर हो तो आपको ज़रूर 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 कॉपीराइट नहीं आएगा, तो बहुत ही मेरा अंदाज़ा है, बिल्कुल पक्का सही कह रही हूँ। तो आप लोग अगर यूज़ करते हो काइन मास्टर को, तो आपको कॉपीराइट आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। देखिए, मैं आपको सारे के सारे म्यूज़िक डाउनलोड करके नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं यहाँ पर 3-4 आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे म्यूज़िक डाउनलोड करूँ तो सुबह से रात से सुबह हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस आपको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले ऑन करके देखती हूँ, अगर आपकी कोई रेंज से रिलेटेड है तो इस टाइप की वीडियोज़ यूज़ कर सकते हो, सॉरी इस टाइप की ऑडियोज़ यूज़ कर सकते हो, बट आपकी कुछ ऐसी आ सकती है तो आप सिंपल ही अच्छा लगता है व्लॉगिंग में, तो आप व्लॉगिंग में सिंपल साउंड लीजिएगा हमेशा। ये देख पा रहे हो हमारा यहाँ से डाउनलोड हो चुका है ये। अब हम म्यूज़िक में जाएंगे, म्यूज़िक में जाने के बाद ये जो तीन हमने डाउनलोड किए थे वो तीनों के तीनों सुन पा रहे हैं। अब जो बाकी दो है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, देखिए सुनिए। वो तीनों के तीनों जो भी थे वो हमारे काइन मास्टर गैलरी में म्यूज़िक आ चुके हैं। अब हम प्लीज के आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड ये जो साउंड है वो हमारे व्लॉग में या क्लिप में ऐड हो चुका है, आप देख पा रहे हो उसमें। अब हम इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो बहुत जल्दी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं साउंड को, इस तरह से हम छोटा कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आप देख पा रहे हो अच्छे से। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फैमिली है वो अच्छे से सीख पाए, तो बस मैं हर चीज़ को नोटिफाई कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अब हम जब इसका साउंड को सुनते हैं तो कुछ इस टाइप का आ जाता है। हम इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कितना बड़ा कितना छोटा करना है। अब
जो है हमें आईसी जो माइक का ऑप्शन है छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना। आप इसमें से कुछ भी कर आपका मन करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। यहाँ से हमारा जो रिकॉर्डर है वो स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल रेड शैडो के अकॉर्डिंग। तो बस गाइज अगर आपको इतना भी काइन मास्टर में एडिटिंग करना आ जाता है तो आप बहुत जल्दी पूरी व्लॉग को एडिट करना सीख जाओगे। तो गाइज ये था हमारा आज का छोटा सा एडिटिंग ट्यूटोरियल जिसमें हमने बात की काइन मास्टर एडिटिंग ट्यूटोरियल कैसे करते हैं, काइन मास्टर में व्लॉग कैसे एडिट करते हैं। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना क्योंकि आप हमारे लिए बहुत